एपीएमसी में साफ सफाई के नाम पे करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार होता होगा, ये मेरा आरोप है, सीधा आरोप करता हूँ मैं तो। पावसाच्या तिसऱ्या दिवशीसुद्धा मुंबई कृषी उत्पन्न बाजार समितीमधील कांदा बटाटा मार्केटमध्ये पाणी साचून राहिल्याने व्यापारी आणि माथाडी कामगारांनी नाराजी व्यक्त केली। बाजार आवारातील समस्या पाहण्यासाठी कार्यकारी अभियंता साहेब जरा एसीमधून बाहेर यावो, मार्केटची जन्नत पहा, अशी आर्तहाक व्यापारी देत आहेत। पहिल्याच पावसात गाळेधारकांच्या गाडी धक्क्याजवळ पाणी साचून गाळ तयार झाल्याचे समोर आले। कार्यकारी अभियंता ऐऱ्या गैऱ्या आणि तथाकथित नेत्याबरोबर वेळ घालवण्यात व्यस्त असल्याचाही आरोप करण्यात येत आहे। त्यामुळे मुंबई एपीएमसी कांदा बटाटा मार्केटमधील व्यापाऱ्यांनी कार्यकारी अभियंता आणि मार्केट अभियंत्यांवर नाराजी व्यक्त केली आहे। कांदा बटाटा मार्केटमध्ये जवळपास 400 व्यापारी व्यवसाय करतात। इतर मार्केटच्या तुलनेत सुटसुटीत आणि कमी गाळेधारकांचे हे मार्केट आहे, मात्र मार्केटच्या समस्या दिवसेंदिवस वाढत असल्याचे पाहायला मिळते। अशातच मान्सूनपूर्व कामे 25 मेपर्यंत पूर्ण करण्याचे आदेश पालिका आयुक्त अभिजित बांगर आणि नवनियुक्त सचिव सतीश सोनी यांनी दिले होते, परंतु त्यांच्या आदेशाला केराची टोपली दाखवत अनेक मार्केटमध्ये कामे बाकी असल्याचे व्यापारी सांगत आहेत। पावसाळी कामाबाबत टाळाटाळ करून सर्वच घटकांच्या आरोग्याचा प्रश्न गंभीर झाला असल्याचे व्यापारी सांगतात। त्यामुळे बाजार समिती नेमके काय काम करते असा संतप्त सवाल व्यापाऱ्यांकडून विचारला जात आहे। धक्क्याला लागून असणाऱ्या परिसरात दरवर्षी पावसाचे पाणी साचून गाळ होतो। या चिखलात कालांतराने मच्छरांची पैदास होऊन तसेच कचरा जमून दुर्गंधी पसरते। शिवाय बाजारातील माथाडी व्यापारी आणि ग्राहकांच्या आरोग्याचा प्रश्न निर्माण होतो। याबाबत सभापतींच्या अध्यक्षाखाली बैठका होऊन अद्याप ड्रेनेज लाईनसह विविध कामे करण्यात आली नसल्याचे व्यापाऱ्यांकडून सांगितले जात आहे। याशिवाय मार्केट परिसरात ठिकठिकाणी प्लास्टर कोसळून भिंतींना तसेच स्लॅबला तडे गेले आहेत। इमारती धोकादायक झाल्याने व्यापाऱ्यांना जीव मुठीत घेऊन व्यापार करावा लागत आहे। यामुळे पावसाळ्यात धोकादायक इमारतीत दुर्घटना घडली तर त्याला जबाबदार कोण, असा सवाल देखील कांदा बटाटा व्यापारी कार्यकारी अभियंत्यांना विचारत आहे। कागजों पे साफ सफाई होता होगा उनका, लेकिन रियलिटी में नहीं होता, ये मेरा आरोप है एपीएमसी के ऊपर। हमारे दुकान के पीछे 12 ही महीना पानी भरा हुआ रहता है, गंदा पानी, बारिश चला जाएगा तो भी पानी भरा हुआ रहेगा। आप आइए देखिए पानी भरा हुआ का नहीं, अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ तो मेरे पर कानूनी कार्यवाही करिए। ऐसा खाली ये विंग नहीं, हर एक विंग का जो जहाँ पे गाड़ी लगती है, जहाँ पे हमाल वहाँ पे वजा उठाते तो वहाँ हर एक जगह पर ऐसे ही पानी भरा हुआ है। ऐसे ही है क्योंकि खोला ही नहीं, लाइन ही नहीं खोली 2005 से लेके आज तक। कोर्ट में जब से मैटर है तब तक एपीएमसी खाली एक ही उनके मुंह में शब्द है, कोर्ट मैटर है, हम कुछ नहीं कर सकता, हम खर्चा नहीं कर सकता। लेकिन बाकी सब काम हो रहा है कोर्ट मैटर के नाम पे, ये सब बोलते साफ सफाई कर रहे हैं। नहीं नहीं, वो कागजों पे हो रहा है, वो कागजों पे कर रहे हैं, वो आपको या गवर्नमेंट को इनको कागजों पे दिखा रहे हैं और भ्रष्टाचार कर रहे हैं, बाकी रियलिटी में नहीं हो रहा है। जो गटर का जो बारिश से पहले जो गटर का लाइन साफ करने का रहता है ड्रेनेज साहब, वो हुआ है? खाली मिट्टी निकाला है, लाइन क्लियर नहीं किया। लाइन क्लियर करते तो मैं ये आरोप नहीं करता, क्योंकि हम देख रहे हैं ना, हम रात दिन इधर ही है, सवेरे से शाम तक इधर ही है, हर मौसम में हम इधर ही है, साफ सफाई नहीं होती, ये मेरा आरोप है। एपीएमसी में साफ सफाई के नाम पे करोड़ों रुपया भ्रष्टाचार होता होगा, ये मेरा आरोप है, सीधा आरोप करता हूँ मैं तो। क्यों कि जब तक कोर्ट मैटर है तब से लेके आज तक इन्होंने गटर लाइन खोला नहीं है, मतलब खोला नहीं है, मुझे क्लियर करके नहीं दिया। हर बारिश में पानी ये भरता है, ये पानी वगैरह जमा रहता है, आने जाने में चलने में फिरने में तकलीफ होता है हमको। पैर स्लिप हुआ तो पैर टूट सकते हैं आपके, ऐसा है, इंसान को प्रॉब्लम हो सकता है। आप बुजुर्ग भी काम करते, लोग काम करते, गिरा इससे मैंने गिरा, खुद गिरा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एपीएमसी न्यूज़।